राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, सब कहते हैं श्रवण कुमार जैसा कोई पुत्र नहीं, जो अंधे अपने माता पिता को कंधे पर उठा कर के उन्हें तीर्थ यात्रा करवाता है। इसलिए श्रवण कुमार के नाम पर ही हमारे वर्ष के एक महीना श्रावण पड़ा है। तो भक्तों, जो ये श्रवण कुमार की जो ये आकृति बनाई जाती है, ये रसोई जो रसोई घर होता है आपका, उसकी दीवार पर बनाया जाता है बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से आप चाहे तो दीवार पर डायरेक्ट बना सकते हैं, या फिर आप वाइट पेपर चिपका लें, जैसे मैंने चिपकाया है वाइट पेपर, या खड़िया मिट्टी से भी लीप करके उस दीवार पर आप इस प्रकार से श्रवण कुमार की आकृति बना सकते हैं। आकृति आप लाल गेरू जो आती है ना मिट्टी, लाल मिट्टी से बनाएं और इस प्रकार से बनाए, और जो तीली है आप इस प्रकार से ले लें और इस प्रकार से आप बनाए। बनाना बहुत ही आसान है। श्रावण का जो महीना है वो श्रवण कुमार को समर्पित माना जाता है। भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि उन्हीं के नाम पर वर्ष का एक महीना जाना जाएगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि पर श्रवण कुमार का पूजन किया जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर सोन, सलूने, सून, श्रवण कुमार की पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। इस प्रकार से आकृति बनाई जाती है, जैसे देव उत्थान पर देव बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से गेरू से दीवार पर मंढे जाते हैं, यानी आकृति बनाई जाती है। घर बनाएंगे इस प्रकार से, आप गेरू से चारों ओर घर की आकृति बना दें। अगर दीवार ना गंदी हो, इसके लिए आप सफेद पेपर पर भी बना सकते हैं, लेकिन पेपर आपका प्लेन होना चाहिए, लाइनों वाला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर पेपर प्लेन लगाया है। सोन कई प्रकार की आकृति के बनाए जाते हैं, मार्केट में भी बने बनाए मिल जाते हैं। घर के मुख्य द्वार से इसकी शुरुआत होती है। घर के मुख्य द्वार पर राम राम या सिया राम या सीता राम और स्वास्तिक के साथ में बनाया जाता है। और इस तरह से जो श्रवण कुमार बनाए जाते हैं वो किचन की दीवार पर बनाए जाते हैं। ये जो श्रवण कुमार जी बनाए जाते हैं वो एक ही बनाए जाते हैं, वो भी किचन बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि रसोई घर से ही सारे सुख समृद्धि होती है। तो किचन की मैं दीवार पर ही बना रही हूँ, आप भी बनाएं। और तो आप किचन के बाहर दीवार पर बना लें। यदि आपके घर में किचन नहीं है तब क्या करें? तब आप जहां पर पूजा करते हैं पूजा स्थल पर भी बना सकते हैं। श्रवण कुमार एक ही बनाए जाते हैं और बाकी की दीवारों पर सोन बनाए जाते हैं। बस जैसे नहाने वाला बाथरूम है, टॉयलेट है, उस दीवार को छोड़ करके मैंने यहाँ पर चांद बनाया है, सूरज बनाया है, साथ में स्वास्तिक जरूर से बनाए। स्वास्तिक यानी जो हमने गणेश जी का भी ध्यान करना है, तो इस प्रकार से आप बना लें। सोन तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन श्रवण कुमार एक ही बनाए जाते हैं दीवार पर। और इसके पूजन में क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी, आप उसे देखिएगा जरूर। तो इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है और इस प्रकार से हमारा स्वास्तिक पूर्ण हो जाता है। आप कैसे भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं। राखी के पवित्र त्योहार को सबसे पहले श्रवण कुमार की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आखिर हर सनातनी इस दिन सबसे पहले क्यों पूजता है श्रवण कुमार की पूजा, क्यों पूजते हैं?
वो मैं बताऊंगी। देखिए भक्तों, इस प्रकार से आप डिजाइन बना लें। डिजाइन आप किसी भी आकृति का बना सकते हैं, जैसा भी आपको आता हो आप वैसा बना लें। रक्षाबंधन हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्योहार का उत्सव हर परिवार में देखने को मिलता है, खुशियां मिलती हैं। लोग इस त्योहार की तैयारियां बहुत दिनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है और राखी का त्योहार मनाया जाता है। खास यह बात है कि रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। हर सनातनी राखी के पहले दिन श्रवण कुमार की पूजा करता है और उसे सबसे पहले उनको रक्षा सूत्र अर्पित करता है। आखिर में राखी के दिन क्यों, जो पूरी वीडियो है वो आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। जो ये सामग्री आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ये सामग्री मैंने आपको गेरू बताया है लगाने के लिए, ये आप जरूर से रख लें क्योंकि अन्य गेट पे भी लगेगा। चंदन तिलक करने के लिए अक्षत और रोली रख लें और साथ में जल ले लें छीटा लगाने के लिए, आचमनी करने के लिए। हमारे यहाँ राखी के दिन सेवैयां बनाई जाती है, आप चाहें तो खीर भी बना सकते हैं। दुर्वा ले लें छाटा देने के लिए यानी पवित्रीकरण करने के लिए, और इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा ले लेंगे और राखी आती है। इस तरह से आप राखी ले लें, भगवान की जो राखी होती है वो अलग से आती है, आप ले सकते हैं, हल्की फुल्की आती है। और इस तरह से हमें कलावा रखना है और आप चाहें तो दीपक जला भी सकते हैं और धूप बत्ती भी जला लें, माचिस रख लें। अगर आपके यहाँ धूप बत्ती और माचिस दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप ना जलाएं, आप अपने आपके घर में जैसा होता हो आप वैसा नियम अपनाएं। और इस तरह से हम श्रवण कुमार जी को तिलक कर देंगे और कलावा रख लिया जाता है। सारा कुछ मैंने बताया है। सबसे पहले आप सूर्य देव को आराध्य दें राखी वाले दिन, फिर अपने मंदिर में पूजा करें, फिर बाद में श्रवण कुमार जी का पूजन करें। उन्हें राखी बांधी जाती है। इस प्रकार से हम जो उनके माता पिता हैं, सुजान सूरज हैं, स्वास्तिक हैं, जो गणेश जी का ध्यान करके हमने बनाया है, और साथ में सभी को कुमकुम चंदन रोली अक्षत ये सभी हम लगा देंगे। जल से छींटा लगाएं और श्रवण कुमार का ध्यान करेंगे। तो इस प्रकार से हमें चंदन से तिलक लगाना है और ध्यान करना है श्रवण कुमार का। तो आप पवित्रीकरण कर लें। तो इस प्रकार से अक्षत अक्षत आपके यहाँ साबुत होनी चाहिए और इस प्रकार से सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे श्रवण कुमार, हमें भी मातृ भक्ति पितृ भक्ति दीजिए। प्रार्थना करेंगे, टीका लगाएंगे, उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में भी सुख समृद्धि आए, खुशियां आए। इस प्रकार से हम वस्त्र रूपी पहले कलावा अर्पित कर देंगे, उसके बाद सेवैया से सभी को भोग लगा देंगे इस प्रकार से, और सूर्य देव को चंद्र देव को माता पिता को साथ में जो गणेश जी बनाए थे स्वास्तिक में उन सभी को हम सेवैया से भोग लगा देंगे। आप यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर सेवैया नहीं बनती है तो कोई मिठाई से भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से सभी को हम जिमा देंगे और हमारे घर में परिवार वालों की भाइयों की सदैव रक्षा कीजिए। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। आरती करेंगे तो आरती आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपके यहाँ धूप दीप जलाया जाता हो तो आप जरूर से जलाएं। और इस तरह से हमें भोग लगाना है, ध्यान रहे। और भोग आप चाहे तो थाली में रख लें या फिर भोग लगा करके अलग से साइड में रख दें। और इस तरह से सेवैयां बाएं हाथ पे, वो जो राइट हैंड साइड होता है, दायां हाथ होता है, उस पे सेवैयां के साथ में इस प्रकार से राखी चिपकाई जाती है। तो आप यहाँ पर चिपका लें राखी और यहाँ पर दीपक जला लेंगे। आप चाहे घी का दीपक जला लें
और चाहे तिली के तेल का धूप दीप दिखा देंगे। अगर यहाँ आपके यहाँ धूप दीप नहीं जलाया जाता है तो आप मत जलाइए, आप अपने परंपरा के अनुसार चलिए। उसके बाद हम आरती करेंगे। इस प्रकार से घर में सलूने पूजन करना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और हाथ में पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के श्रवण कुमार की कथा भी सुने या पढ़ें या कहें। उसके बाद जल से छींटा लगा देंगे तो जो ये हाथ में कथा सुन लेंगे, अगर कथा सुन लेंगे सुनने के बाद ये अक्षत और पुष्प यही श्रवण कुमार जी के सामने दीपक में ही छोड़ देंगे और थोड़ा सा जल लेकर के मिनस देंगे। मिनसा जरूर से जाता है। श्रवण कुमार का पूजन करने के बाद ही सोन पूजन किया जाता है। इसके बाद घर में अन्य लोगों को राखी बांधी जाती है और इस तरह से कॉलस दिए जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा जल साइड में गिरा दिया जाता है। हाथ जोड़ लेंगे, आप इस प्रकार से चित्र बना ले या फिर मार्केट्स में भी सुंदर सुंदर चित्र से लेकर सोन आते हैं, आप उन्हें भी ला करके पूजन कर सकते हैं। हमारा जो परंपरा रीति रिवाज है वो यही होता है कि दीवार पर गेरू से लाल मिट्टी से ये सोन बनाए जाते हैं, श्रवण कुमार बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर हमारी परंपरा है। सोन बनाना बहुत ही शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो कि हमारी ये प्राचीन परंपरा है। इस पूजन में अपने बच्चों को भी शामिल करें। राम राम सीता राम घर के प्रत्येक घर दरवाजे के दीवार पर बनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें।